बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ डिवाइसेस, एंड वी डिस्कस द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आर कंप्यूटर डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, सेल्फ टेस्ट, एंड देन माउस, जॉयस्टिक्स, स्कैनर्स, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, रोबोट्स एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस आर द कंप्यूटर पार्ट्स विच लेट अस कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। वाइल यूजिंग दीज डिवाइसेस वी कैन एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, सेव द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफर द डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड कैन रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं? वो कंप्यूटर पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, और हम जब इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में डाटा भी एंटर करते हैं, और इसके अलावा उस डाटा को सेव भी करते हैं, उस डाटा को आगे पीछे ट्रांसफ़र भी करते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा हम जो है आउटपुट भी रिसीव करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स वगैरह से भी, और इसके अलावा हमारे पास हम वी कैन डिफरेंशिएट द कंप्यूटर डिवाइसेस इनटू 4 टाइप्स। हम इन डिवाइसेस को डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, 4 टाइप्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास इन डिवाइसेस में से कुछ डिवाइसेस कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, और कुछ हमारे पास कौन सी हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटर पार्ट्स विच लेट अस कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कि हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ किस लिए होती हैं? कंप्यूटर के ये पार्ट्स हैं और इन्हें हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके थ्रू हम डाटा टाइप कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, सेव कर सकते हैं और उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आउटपुट रिसीव कर सकते हैं। ये सारे पर्पजेज़ होते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस के। फिर हमने इन कंप्यूटर डिवाइसेस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि हमारे पास इनमें से कुछ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं हमारे पास? इनमें से हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है और स्कैनर है। कीबोर्ड का हमारे पास पर्पस क्या है? कहते हैं कीबोर्ड इज़ द मेन सोर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास मेन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर को ऑपरेट करने की मेन सोर्स है कि हम कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर करते हैं। वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, सो इट इज़ द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस का पर्पस ये होता है कि इनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कि हमारे पास वी कैन एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, सो इट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि हम इसके थ्रू इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। आगे कंप्यूटर कीबोर्ड्स इज़ बेस्ड ऑन द टाइप राइटर कीबोर्ड विद सम एक्स्ट्रा कीज़ फॉर सर्टन कंप्यूटर फंक्शंस। कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? कीज़ होती हैं हमारे पास, जो आपको नीचे कीबोर्ड दिख रहा है इसमें हमारे पास डिफरेंट कीज़ हैं। सबसे ऊपर F1 टू F12 फंक्शनल कीज़ हैं, फिर नीचे हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी हैं, नुमेरिक कीज़ भी इस साइड पर हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कीज़ हैं और इन सब कीज़ का हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास कीज़ है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास द कीबोर्ड्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स हैव 4 मेन पार्ट्स। हमारे पास कीबोर्ड के 4 मेन पार्ट्स हैं जिसमें से फंक्शनल कीज़ हैं, मेन कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीपैड है और कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं। ये हमने पूरे कीबोर्ड को 4 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए, फंक्शनल कीज़ में, मेन कीबोर्ड में और नुमेरिक कीपैड में और कर्सर मूवमेंट कीज़ में। अब फंक्शनल कीज़ हमारे पास कौन सी हैं? देर आर 12 फंक्शनल कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर 12 फंक्शनल कीज़ हैं, F1 टू F12। द लेटर F इंडिकेट दैट दीज कीज़ आर फंक्शनल कीज़। F लेटर जो है वो इसमें ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास फंक्शनल कीज़ हैं, और फंक्शनल कीज़ आर ईजी वे टू गिव सर्टन कमांड्स टू द कंप्यूटर। इन फंक्शनल कीज़ के थ्रू हम कुछ सर्टन कमांड्स देते हैं, जिस तरह कि हमारे पास F5 की का पर्पज़ क्या है? हमारे पास F5 की जो है रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ होती है, F1 की जो है वो हेल्पिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, F2 की जो है वो सेव करने के लिए यूज़ होती है डाटा को। तो इस तरह हमारे पास इन तमाम कीज़ का शॉर्टकट पर्पज़ ये है कि हमारे पास कोई भी कमांड हम कंप्यूटर को दे सकते हैं विदाउट हमारे पास ज़्यादा एफर्ट की बजाय हम शॉर्टकट की जो है इनको यूज़ करके और शॉर्ट वे यूज़ कर सकते हैं।
A functional keys may direct the computer to perform a specific task when press. कि हमारे पास जो functional keys हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, functional keys जो हैं ये computer को computer की help करती हैं कि वो एक specific purpose जो है वो specific task जो perform कर सकें जब उन्हें press किया जाता है. What each functional key does is dependent on the particular software we are using. हमारे पास जो है हर एक फंक्शनल की का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज़ है हर एक सॉफ्टवेयर में. हो सकता है कि हमारे पास जो है 5 की है इसका किसी और सॉफ्टवेयर में कुछ और स्पेसिफिक पर्पज़ हो. तो हमारे पास व्हाट ईच फंक्शनल की डज इज़ डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास इस फंक्शनल की का पर्पज़ क्या है. कि हमारे पास फंक्शनल की जो है वो डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर के यूज़ करने पे, कि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रही है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उस पे फंक्शनल की जो है वो डिपेंड करेगी. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.